हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और आप देख रहे हैं गुप्ता ग्रोसरी स्टार्टअप। आज का वीडियो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जानकारी देने के लिए है जिन्हें अपने किराना दुकान पर रखने पर फायदा ही होगा। और अगर आप भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं जिनमें मुनाफा ज्यादा हो, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब हम किराना स्टोर की बात करें तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है, और कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जिनमें हमें बहुत ही कम मार्जिन मिलता है। जैसे कि साबुन हो गई, साबुन में हमें बहुत ही कम प्रॉफिट होता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिनमें हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है। मार्जिन की बात करें तो लोकल प्रोडक्ट में हमें बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है और ब्रांडेड प्रोडक्ट में हमें बहुत ही कम मार्जिन मिलता है। जैसे कि ब्रांडेड चाय पत्ती हो गई, रेड लेबल की हो गई, गुडरिक हो गई, इस तरह की ब्रांडेड चाय पत्ती में हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, 5 से 10 रुपए ही बचते हैं। और अगर आप लोकल चाय पत्ती रखते हैं अपनी दुकान में, जैसे कि संतराम की चाय हो गई, कई तरह की ऐसी लोकल चाय आती हैं जिनमें कि आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा, 20 से 30 रुपए एक पैकेट में बच जाएगा आपको। और जैसे कि हल्दीराम के कुरकुरा हो गया, हल्दीराम के कुरकुरे वगैरह हो गए, जितने भी हल्दीराम के प्रोडक्ट रहते हैं उनमें हमें बहुत ही कम मार्जिन मिलता है। 12 टका हमने लिए तो उसका होलसेल रेट 52 रुपए में मिलेगा, और आप लोकल कुरकुरे लेंगे तो आपको 12 कुरकुरे 45 रुपए में मिल जाएंगे, जिनमें कि आपको अच्छा खासा फायदा हो जाता है। वॉशिंग पाउडर की बात करते हैं तो देखिए, घड़ी निरमा हो गया, सर्फ एक्सेल निरमा हो गया, इनमें आपको बहुत ही कम मार्जिन मिलेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है और ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इनमें आपको बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा। तो आप अपनी दुकान में कुछ लोकल वॉशिंग पाउडर लेके आइए जिनमें कि आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, और अपनी दुकान में थोड़े बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट भी रखिए क्योंकि कई तरह के ऐसे लोग हैं जो ब्रांडेड सामान लेना प्रेफर करते हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं जो नॉन ब्रांडेड सामान लेना प्रेफर करते हैं। जैसे साबुन, कई तरह की ब्रांडेड साबुन आती है, पियर्स साबुन हो गई, डब साबुन हो गई, नंबर वन साबुन हो गई, इस तरह के प्रोडक्ट्स में आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा। वहीं पे बात करें तो आप लोकल साबुन भी थोड़े बहुत रख सकते हैं, जैसे कि नीमा साबुन हो गई, निरमा साबुन हो गई, ग्लोरी हो गई, इस तरह के थोड़े बहुत लोकल साबुन रखिए आप अपने दुकान में जिनमें कि आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। और यदि कस्टमर कोई नया सामान मांगता है और वो आपकी दुकान में नहीं है तो आप एक काम करिए, आप एक कागज में उस सामान को तो आप एक काम करिए आप एक कागज में लिस्ट बना के रखिए जो सामान आपकी दुकान में नहीं है, और उस सामान को आप अपनी दुकान में जरूर लेकर आइए। इससे कस्टमर आपकी दुकान में बना रहेगा और वो आपका रेगुलर कस्टमर बनके रहेगा। और आप अपनी किराना दुकान में कुछ बच्चों का आइटम भी लेके आइए, जैसे बॉल हो गई, चिड़िया हो गई, टॉफी हो गई, और कई तरह की आप अच्छी ब्रांडेड टॉफी भी रख लीजिए जिसमें जिन्हें बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि डेयरी मिल्क किट कैट हो गई, और आप कुछ लोकल टॉफी भी रखिए जिनमें आपको अच्छा खासा मार्जिन होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।